हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज से हम आपके साथ क्लास 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज में हम आपके साथ टीएस गरेवाल बुक जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारे इस सीरीज में सीबीएसई स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं और डेली हम 5 PM अपनी लाइव स्ट्रीमिंग आपके साथ लेके आएंगे। तो इस लाइव स्ट्रीमिंग में हम क्लास 11th को फोकस करेंगे कि क्लास 11th टीएस गरेवाल बुक। तो हम डेली आपके पास लाइव वीडियो लेकर आएंगे और ट्राई करेंगे एज अ कोचिंग, जैसे आप कोचिंग सेंटर करते हैं वैसे ही हम आपको डेली जो है लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि डेली आप लोग क्या करेंगे के सेशन को ज्वाइन करेंगे और जो भी होमवर्क आप लोगों को मिलेगा वो रिवाइज करके आएंगे, तभी इस लाइव स्ट्रीमिंग का जो बेनिफिट है वो आप लोगों को मिल सकेगा। अगर आप डेली का होमवर्क नहीं करके आएंगे तो फिर इस सेशन का कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला। होप करते हैं आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और डेली का जो आपको होमवर्क मिलेगा वो आप करके आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यस, तो आज हमने क्या स्टार्ट करना है? एबीसी ऑफ अकाउंटिंग। डन। तो एबीसी ऑफ अकाउंटिंग क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि आपके पास क्या है कि आप अभी क्लास 11th में आए हैं। डन। तो क्लास 11th में आपके पास अकाउंटिंग एक नया सब्जेक्ट है जो 10th स्ट्रीम तक आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो ये जस्ट लाइक आपकी नर्सरी क्लास है। जैसे नर्सरी में हमने एबीसी पढ़ना स्टार्ट किया था, आज की क्लास में हम अकाउंटिंग की एबीसी पढ़ना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है जो अकाउंटिंग में यूज होती है, किस वर्ड का क्या मीनिंग रहता है वो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट लेसन ऑफ अकाउंटिंग, इमेजिन योर सेल्फ बिजनेस। हमेशा ही अब आप अकाउंटिंग में आ गए हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में आ चुके हैं, आपने अपने आप को बिजनेस अज्यूम करना शुरू कर देना है। जो भी टर्मिनोलॉजी, जो भी बात आप अकाउंटिंग में सोचेंगे उसमें आप अपने आप को बिजनेस कंसीडर करेंगे। जैसे ही आप अपने आप को बिजनेस कंसीडर करेंगे फिर उस बात को सोचना कि एक बिजनेस हूं मैं और मेरे को इस टर्म को कैसे इमेजिन करना है, तो आपके आंसर अपने आप आपको मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट लेसन ऑफ अकाउंटिंग इज इमेजिन योर सेल्फ बिजनेस। तो हमेशा ही जितनी भी आज हम बातें करेंगे उस सारी क्लास में अपने माइंडसेट को आपने बिजनेस कंसीडर करना है। चलिए ये देखिए, यहाँ पे ये हमने ले रहे हैं मिस्टर रंग। ये हमारे पास फोन है मिस्टर रंग और ये मिस्टर रंग का फर्नीचर का क्या है, बिजनेस है। फर्नीचर बिजनेस इसने स्टार्ट किया है। किसने स्टार्ट किया है? मिस्टर राम ने। तो आज की सारी वीडियो इसी के ऊपर बेस होने वाली है कि बिजनेस मिस्टर राम जो है वो हमारे पास क्या है, ओनर है और उन्होंने फर्नीचर बिजनेस स्टार्ट किया। अब आपको क्या सोचना है, आपको अपने माइंड में रखना है कि राम और फर्नीचर बिजनेस ऑफ राम, ये दोनों ही क्या है, सेपरेट आइडेंटिटी है। ठीक है, ये दोनों क्या है, सेपरेट आइडेंटिटी है। राम एक अलग पर्सन है और उसका जो ये बिजनेस है फर्नीचर वो एक सेपरेट आइडेंटिटी है। आपने इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। रीजन बीइंग कॉमर्स का फर्स्ट रूल क्या है, इमेजिन योर सेल्फ बिजनेस। तो हम जितनी भी आज टर्मिनोलॉजी की अकाउंटिंग की बात करेंगे वो सारे की सारी फर्नीचर बिजनेस, आपको एज अ पर्सन फर्नीचर बिजनेस समझना है कि मैं एक पर्सन हूँ, फर्नीचर एक बिजनेस है, एक अलग आइडेंटिटी है। तो
एक क्वेश्चन आप सबके माइंड में आएगा, वो क्वेश्चन ये है कि आप सारे ये कहेंगे कि बिजनेस एज सच कोई पर्सन थोड़ी ना है कि वो कुछ बाय कर लेगा या कुछ सेल कर देगा या कहीं से कोई फंड्स ले आएगा, कुछ नहीं कर सकता एज सच बिजनेस, कुछ नहीं कर सकता। आई एम एग्री विद यू राइट, बट द थिंग इज दिस कि यहाँ पे हमें बिजनेस को एंटायरली डिफरेंट मानना है, कहाँ से, ओनर से, ठीक है। तभी हमारी सारी टर्मिनोलॉजी, तभी जो ये बिजनेस होता है इसको सब कुछ वापस करना होता है ओनर से, और ओनर भी कुछ अगर बिजनेस से लेता है तो भी एक अलग तरह की इवेंट अकर होता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा थोड़ा बस आप एक बात को फॉलो करिए कि ये बोथ आर डिफरेंट, डन, अभी समझ में आएगा कैसे बोथ आर डिफरेंट। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज कैपिटल। नाउ कैपिटल क्या होता है इन अकाउंटिंग, डन। अब ये हमारे पास क्या था, फर्नीचर बिजनेस था राम का, डन। और ये हमारे कौन है जी, मिस्टर राम। बिजनेस को स्टार्ट कर दिया आपने, फर्नीचर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, इमेजिन करना शुरू कर दीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। द फर्स्ट थिंग क्या चाहिए होती बिजनेस को, वो रहते हैं फंड्स। तो सबसे पहले फंड्स कौन प्रोवाइड करता है, ओनर। सबसे पहले फंड्स कहां से आते हैं बिजनेस के पास, ओनर से आते हैं। तो यहां हम टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं कैपिटल। जैसे ही ओनर कुछ कैश या अमाउंट या कोई भी लाइक गुड्स या फिर कोई भी आइटम बिजनेस को प्रोवाइड करेगा, कौन, ओनर, किसको प्रोवाइड करेगा, बिजनेस को, क्या प्रोवाइड करेगा, अमाउंट, कैश, दैट अमाउंट इज नोन एज कैपिटल, डन। तभी हम बोल रहे हैं कि आपका ओनर और बिजनेस बोथ आर डिफरेंट आइडेंटिटीज, दोनों ही क्या है, अलग हैं। तभी पैसा राम का है, उसी का ही बिजनेस है, बट आप अपने माइंड में ये रखेंगे कि बिजनेस जो है वो एंटायरली डिफरेंट है ओनर से। So when an amount is invested by the owner into the business is called capital. चलिए मेरे साथ लिखना शुरू कर दीजिए, कॉपी पेन आप लेके बैठिए, नोट्स अपने साथ की साथ बनाइए, तभी समझ में आएगा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है राजी, when an owner invested amount और गुड्स, अभी आपको ये गुड्स समझ में नहीं आएगी, कोई आइटम लगा लीजिए कि कोई आइटम, फिजिकल आइटम, इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी अकाउंटिंग की, हम बहुत बार ये यूज करेंगे कैपिटल। तो यहां पे ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, डन। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स, अब ड्रॉइंग्स क्या है, अब जो ये हमारे पास मिस्टर राम है इसको भी तो मे बी ये फर्नीचर का बिजनेस चला रहा है। अब जो ये फर्नीचर है मिस्टर राम की, मिसेज राम ने बोला, वाइफ ने बोला कि मेरे को ना शॉप पे ये वाला सोफा बहुत पसंद आ गया, ठीक है, तो ये सोफा बहुत पसंद आ गया, मेरे को अपने ड्राइंग रूम में रखना है, आप घर ले आइए ये सोफा। अब वो कहता मैं कैसे घर लेके आऊं, ये तो बिजनेस का है, मेरा थोड़ी ना है। तो कहती नहीं मेरे को तो यही येलो वाला सोफा चाहिए अपने ड्राइंग रूम के लिए, डन। तो वो तो अब नाराज हो गई मिस्टर राम से। अब बेचारा मिस्टर राम क्या करता, मिस्टर राम कहता चलो ठीक है मैं ले लेता हूं। बट अब हमने बात करी है कि बोथ आर डिफरेंट, अब क्या करें जी, अब तो प्रॉब्लम हो गई मिस्टर राम के लिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इफ
एनीथिंग इज ड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। अगर हमारा ओनर बिजनेस में से कोई चीज पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है, किसके लिए लेके जाता है? पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है, चाहे वो अमाउंट हो या फिर कोई चीज हो, अगर वो लेके जाएगा तो उसको टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो यही है हमारे पास ड्रॉइंग्स क्या है। अब बिजनेस से अमाउंट और गुड्स कहाँ जा रही है? ओनर में जा रही है। ठीक है, अमाउंट या फिर हम क्या कह सकते हैं, कोई आइटम, यहां गुड्स होएगा। आपको आगे आगे जैसे जैसे हमारा लेक्चर चलेगा समझेगा कि गुड्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो ड्रो, ड्रो मीन्स लेके जाना, ठीक है ना, तभी ड्रॉइंग्स वर्ड बना है ड्रो से। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप मेरे साथ लिखेंगे, व्हेन एन ओनर विड्रो एनी अमाउंट और गुड, अभी आप लिख लीजिए समझ आ जाएगा आगे जाके, फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। डन, चलिए, तो हमने क्या किया था, हमने करा था कैपिटल, कैपिटल में क्या था आपके पास, ओनर प्रोवाइड कर रहा था बिजनेस को, और ड्रॉइंग्स में क्या हो रहा है, बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है ओनर को। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या, कोई भी इवेंट और स्पेशली मॉनेटरी इवेंट, एनी मॉनेटरी इवेंट बिटवीन टू पार्टीज इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, समझ में आ गया, कोई भी मॉनेटरी इवेंट, कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें मनी इन्वॉल्व होगी बिटवीन टू पार्टीज, अकाउंटिंग में उसे बोला जाता है ट्रांजेक्शन। क्या बोला जाता है? ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन, अभी हम देखें कि यहां पे देखिए ड्रॉइंग वर्ड किया था हमने, कैपिटल करा था, इसमें टू पार्टीज इन्वॉल्व थी, टू पार्टीज, कौन सी टू पार्टीज इन्वॉल्व थी जी इसमें, इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्टी इन्वॉल्व थी ओनर और बिजनेस, टू पार्टीज, इन दोनों में कैश की ट्रांजैक्शन हुई थी, ओनर ने बिजनेस को कैश प्रोवाइड किया था, सो इट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज इन अकाउंटिंग इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। डन, ट्रांजैक्शन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अब देखिए, जब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन अभी हमने करा है पीछे, किसके बिटवीन करी थी? ओनर और बिजनेस, इन दोनों के बिटवीन में एक क्या हुई थी हमारे पास, ट्रांजैक्शन हुई थी रिगार्डिंग कैपिटल। ठीक है, तो जो ये ट्रांजैक्शन हुई थी, इससे बिटवीन टू पार्टीज थी ना, एक ओनर अकाउंट निकल कर आएगा, क्योंकि हमें उसकी सारी अकाउंटिंग रखनी पड़ेगी, और एक बिजनेस अकाउंट जो है वो निकल के आएगा। हमने क्या दिया था? कैपिटल दिया था ना, बिजनेस नहीं, यहाँ पे वर्ड यूज होता है कैपिटल। तो पीछे जो हमारी कैपिटल की ट्रांजेक्शन हुई थी, वहां पे दो अकाउंट अराइज हुए थे। मतलब जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें जितनी जो पार्टीज होती हैं, उनकी सेपरेट क्या हम बना लेते हैं, हेड्स बना लेते हैं। आप अभी ये समझिए कि सेपरेट हेड्स में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। एक ओनर आ गया कि ओनर के साथ क्या ट्रांजैक्शन हुई, क्या उनके पास पैसा आया या गया,
ऐसे बिजनेस के बाद सेकंड, उसके बाद हम हेड्स बना लेंगे कि ओनर का एक हेड बन जाएगा और बिजनेस का एक हेड बन जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऐसे हेड्स बनते जाएंगे और एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू अकाउंट्स, ठीक है। हर एक ट्रांजेक्शन में टू पार्टीज होंगी और टू ही आपके अकाउंट अराइज होंगे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट हेड्स बनते जाएंगे। अकाउंटिंग में उनको बोलते हैं अकाउंट्स बनाते जाएंगे हम, डिफरेंट हेड्स बनाते जाएंगे, क्योंकि हमने सभी का क्या रखनी है, अकाउंटिंग रखनी है। ओनर के पास कितने पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, बिजनेस के पास कितने पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, हमें सारे हेड्स जो है वो मेंटेन करने पड़ेंगे, एंड दोज हेड्स आर कॉल्ड अकाउंट्स इन अकाउंटिंग। डन, चल नेक्स्ट। एक वर्ड और बहुत ज्यादा आएगा, लायबिलिटी। अब यहां हमने क्या रख रखा है, लोन्स। अब हमारे पास कौन था, राम जी थे, है ना, मिस्टर राम। और कौन था, बिजनेस था हमारे पास। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम ऐसे सोचते हैं कि जैसे आप फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ए एंड बी। ए को फंड्स चाहिए, उसने बर्थडे पार्टी पे जाना है अपनी फ्रेंड की, और उसको ना 5,000 रुपी का क्या लेना है, गिफ्ट लेना है। बट बेचारे मिस्टर ए, उनके पास सिर्फ कितने हैं, 3,000। बट गिफ्ट वो गैलरी पे जाके कितने का पसंद कर आए, 5,000। अब वो 2,000 कहाँ से अरेंज करें। वो कहते कि 2,000 मैं अपने एक और फ्रेंड है मिस्टर बी, उससे ले लेता। तो उसने क्या किया, ए ने क्या करा, मिस्टर बी से 2,000 का लोन ले लिया। आज तो उसने 2,000 का ले लिया, अब आने वाले टाइम में ये वो लाइबल हो गया। क्या हो गया, ए लाइबल हो गया कि आपको मिस्टर बी को, वो कहता 1 वीक के बाद मैं आपको 2,000 रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो उसको 2,000 रिटर्न करने हैं ना, कब करने हैं, आफ्टर 1 वीक। इसने लिया, टाइम लिया वीक का कि मेरे को 1 वीक के बाद रिटर्न कर दूंगा मैं 2,000। तो लायबिलिटी यहां पे वर्ड कर रहे हैं, तो ए के लिए लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। कितने की अराइज हो जाएगी, 2,000 की टूवर्ड्स बी। तो जब भी बिजनेस, यहां हमने बात किसकी करनी है, बिजनेस की बात करनी है, तो बिजनेस अगर कोई भी क्या करता है, बिजनेस अगर कोई भी फंड्स रेज करता है आउटसाइड से, और उसको वो कमिंग फ्यूचर में उस थर्ड पार्टी को क्या करना होता है, रिटर्न करना होता है, तो उस पर्टिकुलर लोन को, उस पर्टिकुलर अमाउंट को, अलग अलग तरह के हमारे पास आएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। ये समझना बहुत ही जरूरी है कि लायबिलिटी, व्हेन द बिजनेस इज सपोज्ड टू पे बैक टू द थर्ड पार्टी, ठीक है, ड्यू टू सम ऑब्लिगेशंस, अगर बिजनेस से कोई ना कोई चीज अगर उसको वापस करनी है इन अ कमिंग फ्यूचर टू द थर्ड पार्टी, इज नोन एज लायबिलिटी। तो बिजनेस में हम बहुत बारी लोन लेके अपनी ट्रांजेक्शंस करते रहते हैं, तो वो लायबिलिटीज अराइज होती रहती है और बिजनेस कमिंग टाइम में वो उसको रिटर्न कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। अब टाइप्स ऑफ लोन्स, लायबिलिटी तो ले ली, तो टाइप्स को हम टू काइंड में डिफाइन करेंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और दूसरा करेंगे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, और यू कैन से करंट लायबिलिटी, करंट और करंट लायबिलिटी, ये दो होती हैं हमारे पास टाइप ऑफ लायबिलिटी में। अब इसको कैसे पता चलेगा कि वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है या शॉर्ट टर्म है, तो इट डिपेंड अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। किसके ऊपर डिपेंड करता है ये, ड्यूरेशन ऑफ टाइम।
अगर तो लाइबिलिटी जो आपने वापस करना है, किसने वापस करना है, बिजनेस ने जो रिटर्न करना है, अगर उसका टाइम पीरियड क्या है, मोर देन वन ईयर है, तो उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और अगर रिटर्न करने का टाइम पीरियड क्या है, लेस देन वन ईयर है, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म और करंट लाइबिलिटी। तो टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी को हम किस पार्ट में, ड्यूरेशन के बेसिस में टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज लॉन्ग टर्म एंड अदर वन इज शॉर्ट टर्म। भागे आगे जैसे जैसे हमारी क्लास चलती जाएगी आपको समझ में आएगा कि जो आज की टर्मिनोलॉजी है वो हमने क्यों यूज करी है, इसका क्या बेनिफिट है आप लोगों को, ये सारा कुछ आप देखेंगे कि कैसे आपको समझ में आएगा कि ये टर्मिनोलॉजी के बेस पर ही आपका सारी अकाउंटिंग जो है वो बेस करेगी। विदाउट दिस आप कुछ भी अकाउंटिंग में जो है नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम अपने पास एसेट। अब लायबिलिटी का जो ऑपोजिट है उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स। कैसे होती हैं हमारे पास एसेट। अब एक हमारा फर्नीचर हाउस जो स्टार्ट किया था मिस्टर राम ने, अब वो फर्नीचर हाउस जो है किसी बिल्डिंग में होगा, वहां बिल्डिंग होएगी, कोई ना कोई अपार्टमेंट होएगा जहां वो फर्नीचर रखेगा, देन वहां पे एसी भी लगा होगा, देन तो वो जो चीजें हैं जिस जो भी आपकी ओनरशिप है, किसकी ओनरशिप है, बिजनेस की, जिस चीजों पे क्या है ओनरशिप है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स। अब एसेट के लिए दो चीजें होनी बहुत जरूरी है, एक तो हमारा वर्ड आएगा कि बिजनेस का उस एसेट के ऊपर ओनरशिप होनी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, या ओनरशिप होनी चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। एंड सेकेंड उस वो चीज में किस में होनी चाहिए, मोनेट्री। दो चीज, एक तो ओनरशिप और सेकेंड क्या है वो मोनेट्री फॉर्म में होनी चाहिए, फिजिकल कोई चीज होनी चाहिए, ठीक है ना, तो उसकी कोई मनी की वैल्यू होनी चाहिए तभी वो एसेट की कैटेगरी में आती है। तो जो अब मैंने यहां कंट्रोल वर्ड क्यों कहा, क्योंकि समटाइम जो बिल्डिंग रहती है या जो भी आप इक्विपमेंट बिजनेस के पास होते हैं वो रेंटल बेस पे भी वो ले लेते हैं, है ना, बिजनेस रेंटल बेस पे भी ले लेता है, तो उस केस में हम कंट्रोल वर्ड, ओनरशिप नहीं है तो कोई बात नहीं है, कंट्रोल उसका होना चाहिए, उसने रेंट पे ले रखा है, तो वो जितनी भी चीजें ओन करता है, बिजनेस ओन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। लायबिलिटीज क्या थी, जो आप बिजनेस ने थर्ड पार्टी को देना है, और उसका ऑपोजिट कौन है, एसेट्स। डन, समझ में आ गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एसेट, बिल्कुल जैसे लायबिलिटी हमने करी थी टाइप्स ऑफ एसेट, टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, बिल्कुल उसी तरह हमारे पास टाइप्स ऑफ एसेट्स होती हैं, फिक्स एसेट और आपके पास एक होती है करंट एसेट्स। बेसिस क्या है जी, अब सेम, क्या बेसिस है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितनी है उस एसेट की, है ना, ड्यूरेशन अगर क्या है, मोर देन क्या है, वन ईयर है तो फिक्स हो जाएगी। करंट कैसे आएगी, अगर उस एसेट जो है वो लेस देन क्या है, वन ईयर चलने वाली है, तो हम उसको करंट बोल देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, गुड्स। अब गुड्स क्या है, अगर आप देख रहे हैं हमारी सीरीज तो आपको समझ में आएगी कि ये वही हमारी फर्नीचर शॉप है जो हमने स्टार्टिंग में कर, है ना, तो यहां वर्ड यूज कर रहे हैं हम गुड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है
गुड्स क्या रहती हैं? गुड्स क्या होती हैं कि बिजनेस जिस भी चीज में डील करता है, ठीक है? तो हमने एग्जाम्पल ली थी मिस्टर राम की, उसके बिजनेस की। मिस्टर राम का बिजनेस कौन सा था? फर्नीचर बिजनेस था। तो फर्नीचर अगर उसका बिजनेस था, तो ये जो फर्नीचर है वो उस बिजनेस के लिए, फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या है? गुड्स। क्योंकि फर्नीचर बिजनेस क्या डील करता है, मतलब क्या बाय और सेल करता है? गुड्स को। क्या करता है वो? गुड्स को बाय और सेल करता है, ठीक है ना? तो अगर गुड्स को बाय और सेल करता है, तो उसके लिए फर्नीचर क्या हो जाएगा? गुड हो जाएगा। द सेम वे अगर किसी की क्या है, कॉस्मेटिक शॉप है, तो उस कॉस्मेटिक शॉप के लिए गुड्स क्या बन जाएंगी? कॉस्मेटिक। डन। अच्छा, अगर कोई जैसे स्टेशनरी शॉप है, स्टेशनरी शॉप के लिए जितनी भी स्टेशनरी वो उसके लिए क्या बन जाएगी? गुड्स, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि ये वर्ड्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। द आइटम इन विच बिजनेस डील इज कॉल्ड गुड, ठीक है? तो यहां पे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में करा था एसेट्स, एसेट और गुड्स। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। कैसे? आपके पास फर्नीचर शॉप है, क्या है आपके पास? फर्नीचर शॉप है। अभी हमने बात करी है फर्नीचर शॉप के लिए फर्नीचर क्या है? गुड। तो एक बिल्डिंग में जहां पे फर्नीचर का क्या होगा, पूरा सेटअप होगा, इलेक्ट्रिसिटी, इक्विपमेंट्स लाइक एसी, ये दो चीजें उस फर्नीचर शॉप के लिए क्या है? एसेट्स। बात ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि आगे जाके जब आपने जनरल एंट्रीज पे मूव करना है, तो यहाँ आपको एसेट्स और गुड्स में डिफरेंशिएशन करना बहुत ही जरूरी है। तो जिस भी अगर बिजनेस जिस पर्टिकुलर चीज में डील करता है, बाइंग एंड सेलिंग जिस भी पर्टिकुलर वो आइटम का करता है, उसको हम गुड्स कहते हैं, और रेस्ट जो उसकी ओनरशिप में होती है उनको क्या बोला जाता है? एसेट्स। डन। अब परचेज। अब आप कहेंगे ये तो कोई नया वर्ड थोड़ी ना है हमारे लिए, अकाउंटिंग में आप करवा रहे हैं टर्मिनोलॉजी, तो परचेज कोई नया वर्ड नहीं है। बाइंग इज नोन एज परचेज, बट नो, ऐसी बात नहीं है। अकाउंटिंग में परचेज वर्ड जो है वो गुड्स के साथ एसोसिएटेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि परचेज वर्ड अकाउंटिंग में कब यूज किया जाता है? जब बिजनेस अपनी गुड्स को बाय करता है तो हम वर्ड यूज करते हैं परचेज, ठीक है? फर्नीचर बिजनेस लेके हम एग्जाम्पल चल रहे हैं, तो फर्नीचर बिजनेस जब मार्केट में जाके किसी से फर्नीचर बाय करेगा ना, या अगर वो मैन्युफैक्चर है तो वुड करेगा बाय, तो जब भी बाइंग ऑफ वुड होएगी या बाइंग ऑफ फर्नीचर होएगी, तब हम लिखेंगे कौन सा अकाउंट आएगा उस टाइम पे? परचेज अकाउंट आएगा। तो परचेज वर्ड अकाउंटिंग में कब यूज होता है? जब बिजनेस जो है पर्टिकुलर जिसमें डील करता है उसको बाय करता है। हमारा फर्नीचर वाला बिजनेस जो है, जब फर्नीचर या वुड बाय करेगा तब हम परचेज वर्ड यूज करेंगे, अदरवाइज परचेज वर्ड यूज नहीं होता। अब आ जाते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स क्या होते हैं? अब देखिए, आपके पास हमने अभी पीछे करा है परचेज, ठीक है? अब जो ये परचेज है, परचेज के बिना फर्दर टू काइंड्स होती हैं। क्या होती हैं? एक होता है कैश परचेज,
और एक होता है आपके पास क्रेडिट परचेज। ठीक है, ध्यान में रखिए, दो हमारे पास टर्म यूज होती हैं, एक होता है कैश परचेज और एक होता है क्रेडिट परचेज। बिजनेस के पास इनफ फंड्स हैं, वो सप्लायर के पास जाता है और कैश देके अपना पर्टिकुलर गुड को बाय कर लेता है, परचेज कर लेता है, तो सिंपली उसको क्या बोलेंगे, कैश परचेज। बट अब उसके पास फंड्स नहीं है, बट उसको अभी क्या चाहिए, रॉ मटेरियल अपना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में उसको अपनी जो गुड है वो सप्लायर से चाहिए। अब वो क्या करे, तो वो सप्लायर के पास जाकर क्या ले लेगा, क्रेडिट पे ले लेगा, परचेज क्या ले लेगा, क्रेडिट पे परचेज ले लेगा। मतलब वो उससे लोन ले लेगा कि अभी भैया मेरे पास पैसे नहीं है, आने वाले टाइम में मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, अभी आप मेरे को पैसे दे दीजिए, तो उसको अभी आप मेरे को फर्नीचर दे दीजिए, तो अभी उसके पास पैसे नहीं है ना, तो उसने कैसे बाइंग करी, क्रेडिट परचेज पे। अब जब उसने बाइंग क्रेडिट पे करी है, तो वो जो सप्लायर है थर्ड पार्टी, अब याद करिए हमने थर्ड पार्टी की बात, तो जो ये वाला सप्लायर है जिससे उसने क्रेडिट पे परचेज करी है, तो ये सप्लायर बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। क्या बन जाएगा, क्रेडिटर, क्योंकि आने वाले टाइम में ये पैसा उसको वापस करना है। देखिए क्रेडिटर्स, ठीक है, तो ये हमारा कौन है, फर्नीचर, बिजनेस, और ये कौन है हमारे पास, सप्लायर। डन, ये हमारे पास कौन था, फर्नीचर बिजनेस। फर्नीचर बिजनेस ने सप्लायर से पैसे लिए, तो ये सप्लायर फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कब अराइज होते हैं, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट परचेज। कब अराइज होते हैं, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट परचेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हमारे पास बारी बारी आएगा कि कैश परचेज हुई है आपके पास या क्रेडिट परचेज हुई है। चलिए, सेल्स वर्ड करने से पहले एक और वर्ड मेरे को यहाँ पे याद आ रहा है, जो आपको करवाना बहुत जरूरी है। मैंने परचेज कर ली, तो यहां पे एक वर्ड यूज होएगा, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। ठीक है, तो जो हमारे पास बिजनेस था, फर्नीचर बिजनेस था, उसने जब बाइंग करी, तो वो कहता कि नहीं ये ठीक नहीं है बाइंग, मेरे को तो ये रिटर्न करनी है। तो कई बार आपके साथ भी होता है ना, आप बाइंग करके आते हैं और आप उस चीज को वापस कर देते हैं, तो सेम वही वर्ड है, बिजनेस ने बाय किया कुछ और उसको वापस करना है, तो उस वर्ड को बोलते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है, बट अब आपके पास इसके लिए एक और वर्ड जो है ना वो यूज किया जाता है, तभी हम ये टर्म करवा रहे हैं। आपको परचेज रिटर्न कहा जाएगा, तो उसका मतलब क्या आएगा कि आपने वापस किया। एक और इसको परचेज रिटर्न को एक और भी बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, अगर वहां पे रिटर्न आउटवर्ड वर्ड लिखा आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न ये दोनों ही सेम वर्ड है, तो सिनोनियम्स के लगा लीजिए कि परचेज रिटर्न और रिटर्न आउट। अब हम अपना नेक्स्ट टर्म करते हैं, और वो टर्म है हमारे पास सेल। सिमिलर अगेन, सेल जो है किसके साथ रिलेट करेगी, गुड्स के साथ। जब बिजनेस क्या करेगा, जिस चीज में डील करता है उसको सेल करेगा मार्केट में, तो अकाउंट कौन सा अराइज होएगा अकाउंटिंग में, सेल, सेल अकाउंट अराइज होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास फर्नीचर बिजनेस था, अगर उसने अपना जो एसी लगा हुआ था, है ना, उसकी शॉप पे क्या लगा हुआ था, एसी लगा हुआ था, अगर वो एसी सेल करता है मार्केट में, तो सेल वर्ड नहीं यूज होएगा। क्या नहीं यूज होएगा, सेल वर्ड यूज नहीं होगा, अगर एसी
फर्नीचर शॉप वाला एसी सेल करता है तो सेल वर्ड नहीं यूज करना अकाउंटिंग में। कब सेल वर्ड यूज करना है? जब उसने फर्नीचर की सेल करनी है। बस फंडामेंटल इतना ही है कि परचेज और सेल जो हमारे पास दो वर्ड है वो उस टाइम यूज होते हैं जब गुड्स के साथ बाइंग और सेलिंग होती है। अगर गुड्स के साथ बाइंग और सेलिंग नहीं होती है तो आपने क्या नहीं यूज करना? सेल वर्ड या परचेज वर्ड यूज नहीं करना। अभी मैंने एसी की एग्जांपल आपको लेके बताई है कि अगर वो परचेज फर्नीचर शॉप वाला एसी सेल करके आता है मार्केट में तो अकाउंटिंग में सेल वर्ड यूज नहीं। अगेन आपके पास यहाँ पे भी टू काइंड की सेल होगी। कौन सी सेल होगी? कैश सेल। और अपने कस्टमर बढ़ाने के लिए हम क्रेडिट सेल भी करते हैं। मोस्ट ऑफ दी जो आपके पास क्या होती हैं फर्म्स होती हैं या शॉपकीपर्स होते हैं वो अपनी सेल को एनहांस करने के लिए क्रेडिट सेल करते हैं। ठीक है, तो आपको अभी क्रेडिट का मतलब तो समझ में आ गया है ना, उधार के। अगर कैश के बदले आपने सेल करी तो कैश सेल, नहीं तो क्रेडिट सेल। अब जब आप क्रेडिट सेल करेंगे तो कौन अराइज होगा? डेटर। क्रेडिट सेल से क्या अराइज होंगे? आपके डेटर्स। अब डेटर्स कौन है? ऑपोजिट ऑफ क्रेडिटर्स, फ्रॉम हूम बिजनेस हैज टू Take something, ठीक है? अब क्रेडिट सेल हुई तो ये डेटर्स अराइज होंगे जिनसे बिजनेस ने अब क्या लेना है? पैसा लेना है। बिजनेस और ये है देखिए कस्टमर, ध्यान से सुनिए, ये बिजनेस है, ये कस्टमर है, यहाँ पे हुई आपकी क्रेडिट सेल और ये मेरा क्या बन गया? डेटर। तो यहां से अब किसने देने हैं रिटर्न? किसने करने हैं? कस्टमर ने। कैश किसने रिटर्न करना है? कस्टमर ने करना है। तो ये डेटर बन गए। हमने लेना है आप कुछ, क्रेडिटर हमने देना था, यहाँ पे लेना है। ऑपोजिट ऑफ क्रेडिटर इज डेट। नाउ अब आपके पास एक और इम्पोर्टेंट टर्म हम करने जा रहे हैं, वो है बैड डेट्स। अब जो हमारी यहां पे क्रेडिट सेल हुई थी, क्रेडिट सेल से क्या राइज हुए थे आपके? डेटर्स। क्रेडिट सेल से डेटर अराइज हुए थे तो जो ये डेटर्स थे आप क्या कहते हो कि ये सारे का सारा पैसा क्या रिटर्न कर देंगे? डेटर्स ने कितने रुपीस देने थे? लेट्स सपोज 1 लाख रुपीस की मैंने क्रेडिट सेल कर दी। कितने रुपीस की कर दी? 1 लाख। तो कुछ यहां पे जो डेटर था उसने सोचा कि मेरे पास तो ना 60,000 रुपीज है, उसके पास कितनी कैपेसिटी थी? 60,000 रुपीज रिटर्न करने। अब उसकी कैपेसिटी थी 60,000 करने की रिटर्न और 40,000, ठीक है? तो यहां पे क्या हुआ कि उसकी कैपेसिटी थी 60,000 वापस करने की, है ना? तो वो कहता कि मेरे पास तो भैया 60,000 है, आपने लेना है तो देख लीजिए, मेरे पास तो मैं 60,000 से ज्यादा जो है वो आपको नहीं दे सकूंगा। लेकिन उसने टोटल तो कितना देना था आपको? 1 लाख। बट वो डेटर कहता मेरे पास कैश फॉर्म में जस्ट 60,000 है, 40,000 मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तो एज अ बिजनेस आपको कई बारी लॉस भी हो जाता है। लोग डिनाई कर देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। आपने उससे 1 लाख लेना था लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन ने आपको 60,000 दिया, 40,000 जो रुपीज उसने नहीं दिए वो बिजनेस के लिए लॉस हो गया, और जो उसने पैसे नहीं दिए उस टर्म को हम यहाँ बोलेंगे बैड डेट्स। क्या बोलेंगे हम उस टर्म को? बैड डेट्स, ठीक है? तो यहाँ बैड डेट्स क्या होते हैं? When the debtor refuse to reback the amount, ठीक है? अगर debtor हमारा जो है उसने मना कर दिया कि मैं आपको पैसे वापस नहीं कर सकता, मेरी कैपेसिटी नहीं है वापस करने की, तो हम उस
टर्म को बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तो आज यहां तक हमने हाफ टर्मिनोलॉजी अपनी जो है कॉमर्स की कंप्लीट करी।